हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ह्युंडई मोटर इंडिया लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज के इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, इसका बिजनेस मॉडल, फिनांशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चला, लिस्टिंग कितना मिलेगा। और गाइस, ओपन होने से पहले कंपनी के जीएमपी में लगातार गिरावट आ रही है, अप्लाई करना चाहिए या फिर इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ गाइस आज के दिन 15 अक्टूबर को ओपन हो रही है और 17 अक्टूबर क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ, और ये जो आईपीओ 27,870.16 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ, और फुल्ली फ्रेश इशू किया जा रहा है, मतलब कि इसमें कोई भी जितना भी फंड रेज किया जा रहा है ये कंपनी के पास ना जाके बल्कि इसके इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे। और 14.22 करोड़ शेयर्स का फ्रेश ऑफर फॉर सेल किया गया, मतलब ओएफएस आईपीओ है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 18 अक्टूबर का, 22 अक्टूबर लिस्टिंग डेट है, बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। प्राइस बैंड 1865 टू 1960 रुपीज पर शेयर का, 7 शेयर्स के लॉट साइज है, और इसमें एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया 186 रुपीज पर इशू प्राइस का जो है सो डिस्काउंट दिया गया। इसके लीड मैनेजर कोटक महिंद्रा कैपिटल, सिटी ग्रुप, कोक ग्लोबल मार्केट्स, HSBC सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट, JP मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मॉर्गन स्टैनली इंडिया कंपनी लिमिटेड इसके लीड मैनेजर, और के फिनटेक इसके रजिस्ट्रार है। और अगर हम बात करेंगे प्रोमोटर, यहाँ पे ऑफर दिया गया QIB को 50%, HNI को 15%, डेल को 35% का। एंकर इन्वेस्टर से 8,315 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। इसके प्रोमोटर है ह्युंडई मोटर कंपनी। प्री इशू होल्डिंग 100% का, पोस्ट इशू 82.5% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। बिजनेस की बात करेंगे तो गाइज, मई 1996 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। ये ह्युंडई मोटर ग्रुप का एक पार्ट है, कंपनी जैसे ह्युंडई मोटर ग्रुप का एक पार्ट है, जो कि थर्ड लार्जेस्ट ऑटो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, अगर वर्ल्ड बेस्ड पर वर्ल्ड में, और अगर हम देखेंगे पैसेंजर व्हीकल सेल्स के बेस्ड पर ये जैसो बताया गया। और कंपनी जो है रिलायबल, फीचर रिच एंड इनोवेटिव फोर व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स, जो कि बैक्ड होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है और सेल करता है कंपनी। इसके अलावा ट्रांसमिशन और इंजन जैसी पार्ट्स का भी मैन्युफैक्चर करता है कंपनी। मोबिलिटी सॉल्यूशंस जो इसे प्रोवाइड करता है, जो कि अराउंड इसके नेटवर्क में 1,366 सेल्स पॉइंट्स है और 1,550 सर्विस पॉइंट्स है पूरे इंडिया में, इसका नेटवर्क है जिसके थ्रू ऑपरेट कर रही है। 31 मार्च के अकॉर्डिंग अराउंड 12 मिलियन पैसेंजर व्हीकल्स इंडिया में और एक्सपोर्ट के थ्रू जो है सो सेल कर चुकी है। और कंपनी जो है फोर व्हीलर पैसेंजर व्हीकल्स जो कि मैन्युफैक्चर और सेल करता है, जिसमें इंक्लूड है मॉडल्स जैसे सेडान्स, हैचबैक्स हो गया, SUVs, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी सेल करता है कंपनी जो है। इसका जो मॉडल्स है इसमें इंक्लूड है ग्रैंड, i10, नियोस, i20, i20 एन लाइन, ऑरा, एलांट्रा, वेन्यू एन लाइन, वर्ना, क्रेटा एन लाइन, अल्काज़ार, टक्सन एंड बहुत सारे इलेक्ट्रिक SUV जो कि आयोनिक 5 है। और कंपनी जो है 31 दिसंबर, और ये जो प्रोडक्ट है ये सब गाइस ये मॉडल है जो कि कंपनी जो कार्स जो देती है ऐसे मैन्युफैक्चर का सेल करते हैं, ये सभी मॉडल्स है। और 31 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग लगभग 363 डीलर कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर चुकी है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स के लिए पूरे इंडिया में। और ह्युंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये चेन्नई के पास में है, जिससे कंपनी व्हीकल मॉडल्स के फुल रेंज को प्रोड्यूस कर सकती है। कंपनी इसके अलावा प्रोडक्ट्स को अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करती है। फिनांशियल की बात करेंगे तो 22 में 47,966 करोड़ का रेवेन्यू, 2,901.5 करोड़ का प्रॉफिट है। 23 में 61,436.6 करोड़ का रेवेन्यू और प्रॉफिट 4,709.2 करोड़ का। 24 में 71,302.3 करोड़ का रेवेन्यू, प्रॉफिट है 6,060 करोड़ का। 25 के फर्स्ट क्वार्टर में 17,567 करोड़ का रेवेन्यू है, प्रॉफिट है 1,489.6 करोड़ का। कंपनी का फिनांशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिला है। यहाँ पे 22 से 23-24 तक बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और कंपनी जो है इसका अगर हम बात करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू 14.93 टाइम्स का है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 12.26% का, ROCE 13.69% का देखने को मिल रहा है। EPS अगर देखा जाए ना तो PIPO 74.58 रुपीज है और PE रेशियो 26.28 टाइम्स का, मतलब यहाँ पे उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है गाइस 26 का PE रेशियो। और अगर देखा जाए मार्केट में जितने भी
ऑटोमोबाइल सेक्टर की ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, जैसे मारुति सुजुकी हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, अशोक लीलैंड हो गया, बहुत जितने भी चाहे हेवी व्हीकल्स हो या फिर फोर व्हीलर्स हो, जो कि अगर देखा जाए तो सबके पी रेशियो जो है सी के आसपास में, जो कि कह सकते हैं तरह से उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। वहीं अगर हम कुछ और इसकी पॉइंट की बात करें तो कंपनी जो है इंडियन ऑटोमोटिव मार्केट जो है ये हाईली कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज है, चाहे डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल प्लेयर्स, मार्केट शेयर के लिए कॉम्पिटिशन फेस कर रही है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री भी जो है सो स्ट्रिंजेंट सब्जेक्ट टू स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, जो कि एमिशन सेफ्टी और फ्यूल इफिशियंसी से रिलेटेड। ह्यूंडई मोटर का इंडिया का जो परफॉर्मेंस है क्लोजली टाइड है, ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन जो है इंडिया में उस पर क्लोजली टाइड है। जैसे पैंडेमिक के टाइम में आप देख सकते हैं, देखे होंगे कि पैंडेमिक के टाइम में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है, चाहे इसी कंपनी को नहीं बल्कि इसके कॉम्पिटिटर को भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि जो वॉल्यूम है सेल्स जो था वो बहुत बुरी तरह से गिरावट आ गई थी पैंडेमिक के टाइम में। तो इस तरह से गाइज अगर कोई प्रॉब्लम आता है, इकोनॉमिक कंडीशन भी आती है गाइज, या फिर कोई पैंडेमिक जैसा कोई प्रॉब्लम आता है, तो गाइज कंपनी का सेल्स बहुत ज्यादा डाउन हो सकता है। ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है ना इसमें सप्लाई चेन चैलेंजेस भी फेस कर चुकी है, और पर्टिकुलरली खासकर सेमीकंडक्टर शॉर्टेज के साथ और जियोपॉलिटिकल टेंशंस के द्वारा जो डिसरप्शन कॉज किया गया था इसके कारण, जो कि यहाँ पे गाइज और सेमीकंडक्टर जो है ये ज्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम आती है। और अगर हम जीएमपी की बात करें तो 45 रुपीज का जीएमपी, 2.3% का प्रॉफिट मिल रहा है, मतलब बहुत ही मिनिमम प्रॉफिट मिल रहा है। अब जैसा मैंने आपने थंबनेल में देखा है गाइस कि इसके जीएमपी में कंसिस्टेंट गिरावट आ रही है, तो जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस बहुत बुरी तरह से गिरावट आ रहा है, क्योंकि इसका मैक्सिमम जीएमपी 570 रुपीज का था 27 सेप्टेम्बर को, उसके बाद कंपनी का जीएमपी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज किया, 500, फिर 385, 380, 363, 370, 360, 365, फिर 270, वापस थोड़ा रिकवर किया 289, फिर वापस से डाउनफॉल हुआ 270 का, और जब ये प्राइस बैंड फिक्स किया गया तो 147 रुपीज का जीएमपी, पूरी तरह से गिरावट आई। लेकिन उसके बाद कंपनी 9 अक्टूबर को जो है 175 रुपीज का जीएमपी थोड़ा इंक्रीज किया, लेकिन उसके बाद वापस से फॉल, और जब यहाँ से फॉल होता हुआ देखने को मिला तो कंसिस्टेंट फॉल हुआ, और आज 15 अक्टूबर है गाइस, और आज का जो कि 6 AM में जीएमपी अपडेट किया गया है और 45 रुपीज का जीएमपी गाइस, मतलब कि जीएमपी बहुत बुरी तरह से गिरावट आई है। ऑब्जेक्टिव क्या है गाइस, तो कंपनी जो है कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि जो फंड है ये मतलब कि प्रोमोटर के पास जाएगा ना कि कंपनी के पास जाएगी, जो कि कंपनी इसका यूटिलाइज कर सकेगी। और अगर हम बात करें ओवरऑल, तो कंपनी जो है ना एचएमसी कोरिया ग्रुप का ही एक कंपनी है, मतलब कि जो कि एक पैरेंट कंपनी है, थर्ड लार्जेस्ट ऑटो ओईएम कंपनी है ग्लोबल लेवल पर, और कंपनी जो वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट ऑटो ओईएम कंपनी है इंडिया, मतलब कि वर्ल्ड में ग्लोबल में थर्ड लार्जेस्ट है और इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट है, और कंसिस्टेंट ग्रोथ है टॉप एंड बॉटम लाइंस में। और इसलिए गाइस कंपनी का जो सो एक्सपेंशन प्लान भी लेकर आई है 26 एंड तक, ऑपरेशन जो है सो 26 एंड तक के द्वारा जो है सो ऑपरेशन भी हो जाएगा एक्सपेंशन जो कर, और कंप्लीशन जो एक्सपेंशन प्लान का कंप्लीशन के बाद कंपनी का ब्राइट प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा पोजीशन बना रहा है, और ये अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर हिस्ट्री में देखेंगे प्राइमरी मार्केट इंडिया में जो है, प्राइमरी मार्केट की हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ है, इससे पहले एलआईसी का आया था और उसके बाद गाइस ये एलआईसी को भी पीछे करके ये वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ है। इसलिए गाइस इसमें बहुत ही फेयर चांस है अलॉटमेंट होने का बोर्ड के द्वारा, बोर्ड के आसपास, और इसलिए गाइस आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं नो डाउट अप्लाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।